Christ is Lord. Love it. Hut. Hut. Bandha. Hut. Hut. Bandha. Hut. सभी पुलिस फोर्सेस पुलिस ऑफिसर्स में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा को लगाने के निर्देश दिए गए हैं। उसी क्रम में आज सुबह एक रन फॉर यूनिटी नाम से एक रैली भी आयोजित की गई थी और सभी जनपदों में ये कार्यक्रम इस तरह से आयोजित किए जा रहे हैं। हम सभी लोग जानते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को यूनाइट करने जो आज हम भारत देखते हैं उसको भारत के रूप में लाने का जो एक महाकार्य सरदार पटेल जी ने किया है उसका हम आज के दिवस आज के अवसर पर स्मरण करते हैं। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे और ये सारे रूलर्स अपने परिश्रम की आवश्यकता थी और एक विजन की आवश्यकता थी और इस विजन को हमें सरदार पटेल जी ने ऑफर किया। उन्होंने ऐसे सभी प्रिंसली स्टेट्स के साथ डिप्लोमेटिक मीन्स से प्रेशर टैक्टिक्स से उनको ये थे वहाँ पे कुछ पुलिस फोर्स का यूज करना पड़ा और पुलिस एक्शन के माध्यम से इनको यूनियन में मर्ज करना पड़ा। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोग कमजोर थे क्योंकि डिसइंटीग्रेशन पूरे देश में था। हिंदू मुस्लिम कम्युनल रायट्स सभी जगह हो रहे थे। वायलेंस में कई लोग अपने परिवार खो गए थे। जगह जगह लूटपाट चल रही। एक देश को स्ट्रांग यूनियन की जरूरत थी। एक स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट की जरूरत थी जो ऐसे सभी विघटनकारी फोर्सेस को डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस को स्ट्रांग नेशन के रूप में हमारी पहचान बना सके। इनको विजुलाइज किया गया और इनका सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के रूप में उनको यूज किया गया। एक सिविल पुलिस फोर्स जो कि एक स्ट्रांग यूनियन का फोर्स है जो सब क्योंकि वो ना केवल देश के प्रथम गृह मंत्री थे पर उनकी विजन के फलस्वरूप आज हम अपने को इस स्थिति में और इस मजबूत स्थिति में पा रहे हैं और अपने नेशनली फ्यूचर भी हमारा काफ़ी चैलेंजिंग है। कई सारे चैलेंजेस को हमने ओवरकम किया है पर आप देख रहे होंगे जगह जगह जिस तरह के सिविल सारे जो ऐसे डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस है इनको सप्रेस करने में अपना योगदान देना है, नेशन बिल्डिंग में योगदान देना है। इसी उद्देश्य से आज का ये दिवस राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है ताकि हम सारे सभी प्रकार के भेदभाव चाहे वो भाषा हो, प्रांत हो, जाति हो, धर्म हो, इस तरह के सारे भेदभावों को भूल के अपने आप को भारत के एक नागरिक अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के भी यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं आशा करता हूँ हम सब लोग मिलके इस विजन को साकार करने में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद। असर किस तरह का आज सरदार पटेल जयंती के अवसर पे पुलिस लाइन में एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें राष्ट्रीय एकता की शपथ सभी को दिलाई गई। सबको इसके बारे में सेंसिटाइज किया गया और प्रतिमा पे माल्यार्पण करके एक छोटा सा शपथ का कार्यक्रम हुआ। सुबह 8 बजे आज एक रन फॉर यूनिटी नाम से स्कूल के बच्चे कॉलेजेस के स्टूडेंट्स और RTC की महिला कांस्टेबल और जवानों का एक रन आयोजित किया गया था 3-3.5 किलोमीटर का
और उसमें भी जो लोग अच्छा परफॉर्म किए 10 लोगों को पुरस्कार भी दिया गया। सर संकल्प क्या दिलाया आपने और आज के दिन? आज का यही संकल्प है कि हम सारे भेदभावों को, सभी तरह की डिसइंटीग्रेटिव फोर्सेस को सप्रेस करने के लिए अपना योगदान दें, मजबूती से अपना योगदान दें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स एनश्राइन किए गए हैं, यूनिटी के जो स्पिरिट जो उसमें एनश्राइन किया गया है, उसके लिए हमें लड़ना है, उसके लिए हमें डट के रहना है, मजबूती से रहना है। और साथ ही साथ किसी भी तरह के जो भेद हैं हमारे बीच, वो चाहे कास्ट लाइन पे हो, रिलीजियस लाइन पे हो, रीजन पे हो, प्रांत पे हो, इस टाइप के जो भी हमारे भेद हैं उनको हमें भूल के ये एहसास रखना है कि हम एक भारत के नागरिक हैं और उसकी मजबूती में और उसके इंटीग्रेशन में ही हम सबका हित है।